ओम शांति। हमें बाबा ने बहुत बड़ा कार्य दिया, बहुत सुंदर टाइटल दिया, तुम विश्व के आधार मूर्त हो और उद्धार मूर्त हो। सूक्ष्म ज्ञान की दृष्टि से हम जानते हैं कि सृष्टि की स्थिति का आधार हम महानात्माओं की स्थिति है। सृष्टि में संपूर्ण सुख है, उसका आधार है हमारी सुख स्वरूप स्थिति। जब हम बहुत पवित्र हैं, तो ये सारी सृष्टि प्रकृति संपूर्ण पवित्र है। याद करें, हम हैं कल्प वृक्ष की जड़ें, जड़ों के द्वारा वृक्ष को भोजन पानी सब कुछ जाता है। हम वृक्ष की जड़ें हैं, हमारा एक एक संकल्प, हमारी स्थिति, हमारी प्योरिटी, हमारी खुशी सारी सृष्टि में पहुंचती है। एक विजन बनाएं, मेरे सिर के ऊपर ही कल्प वृक्ष है, और जो हम सोच रहे हैं, जो हमारे प्योर संस्कार हैं, उनके वाइब्रेशंस एक एक पत्ते तक पहुंच रहे हैं। तो याद रखेंगे, हम खुश तो सारा जहान खुश। हमारे संकल्प महान हैं, शक्तिशाली हैं, पॉजिटिव हैं, तो मानो हम सृष्टि की पालना कर रहे हैं। और यदि हमारे संकल्प कमजोर हैं, नेगेटिव हैं, इम्प्योर हैं, तो माना हमारे द्वारा सृष्टि को बहुत निगेटिविटी जा रही है, हम अनेकों के दुखों का कारण बन रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा, तुम सभी पूर्वज हो, तुम्हारे पुण्य कर्मों का बल सभी धर्मों की आत्माओं को मिलता है, इसलिए उसका फल भी तुम्हें पदम गुना मिल जाता है। तो जरा अपने महत्व को समझें। बार बार ये आवाज अंतर मन में गूंजती रहे, हम साधारण नहीं हैं, पूर्वज हैं, कल्प वृक्ष की जड़ें हैं, हम बहुत जिम्मेदार आत्माएं हैं। और फील करें कुछ देर के लिए, जो विजन बनाया कि हमारे सिर पर कल्प वृक्ष है, तो हमारे श्रेष्ठ संकल्पों के वाइब्रेशंस, हमारे स्वमान के वाइब्रेशंस, जैसे कि सारे कल्प वृक्ष में उसकी एक एक डाल डाली में, टहनियों में, पत्तों तक जा रहे हैं, फैल रहे हैं। इससे हमें बहुत अच्छी अवेयरनेस रहेगी। हमारे जीवन से साधारणता समाप्त हो जाएगी, अलबेलापन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जो आत्माएं बहुत जिम्मेदार होती हैं, वो अलबेले हो ही नहीं सकते। हम सब जानते हैं, हमें रात को 2 बजे भी कोई कार्य करना हो तो हम कितना चुस्त रहते हैं। तो आइए हम अपने स्वमान में स्थित हो जाएं। मैं इस जहान का नूर हूँ, कल्प वृक्ष की जड़ें हूँ, मुझे सबकी पालना करनी है। तो अपना एक एक संकल्प स्वमान पालना का स्वरूप बना दें। हमारा हर संकल्प सृष्टि की पालना करे। सोचो, जब हमारे वाइब्रेशंस सारी सृष्टि की पालना कर सकते हैं, तो हमारे परिवार पर, हमारे आसपास के लोगों पर तो उनका कितना गहरा असर होगा। तो आज का हमारा स्वमान रहेगा, मैं विश्व की आधार मूर्त आत्मा हूँ, कल्प वृक्ष की जड़ हूँ और जहान का नूर हूँ। और ये विजन बना कर रखेंगे, मेरे सिर के ऊपर ही कल्प वृक्ष खड़ा है, और मेरे योग युक्त स्थिति के वाइब्रेशंस पूरे कल्प वृक्ष में फैल रहे हैं। तो इस तरह आज सारा दिन हम कल्प वृक्ष को भोजन, पानी, जल, अन्न सब कुछ देते रहेंगे,
और याद रखेंगे हम साधारण नहीं हैं, बहुत बहुत महान हैं, हमारी जिम्मेदारियां महान हैं, बाबा की नजर हम पर है। सोचो यदि हम साधारण और व्यर्थ में होंगे तो बाबा हमारे लिए क्या सोचेगा, इतनी महान और जिम्मेदार आत्माएं कर क्या रहे हैं। ओम शांति।